By the way, मैंने ना अपने मीम्स के कमेंट्स पढ़े तो मैंने कई जगह देखा है कि लोग बोलते कि मैं ब्रांड बच गई, भयंकर वाली ऑफ रोडिंग हो गई, बस पापा और आगे कुछ नहीं है। बस देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मौत का कुआं, आगे 100 मीटर पर मौत का कुआं। अरे उठाओ उसको। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है डे 3 और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और बाहर का नजारा देखो भाई, कोहरा और रखा है, दिख रहा है लिटरल। जल्दी से नहा के आ जाती हूँ क्योंकि आज तो महालक्ष्मी जी के दर्शन होंगे तो नहाना तो है ही। रैबिट्स को भी ढक रखा है, ठंड लग रही होगी ना भाई। जो रियल आंखों से धुंध दिख रही है ना, मतलब सब कुछ ब्लर सा हो गया है, जैसे कैमरा को ठीक से साफ नहीं किया, लेकिन कैमरे में इतना ज्यादा धुंध नहीं दिख रही। तो चलो चलते हैं। भाई सामने से जो गाड़ी आ रही दिखी नहीं रही, बस हेडलाइट दिख रही है। तो गाइस काफी मशक्कत और पूछताछ के बाद हमें पता चला कि सीधा सीधा रास्ता है, बिल्कुल कहीं भी टर्न नहीं लेना, लेकिन गूगल पता नहीं हमें कौन सी गलियों में से निकलवा रहा था। तो प्रसाद प्रसाद तो है इसमें, और जाने का रास्ता इधर से, बस सीधा मंदिर में पहुंचेंगे। हां मंदिर पूर्व गेट से जाओ, और दक्षिण द्वार से बाहर आओ। अच्छा अच्छा ठीक, हम लक्ष्मी माता के पास जा रहे हैं। वाह ये चली रहा है। तो अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, काफी सही दर्शन हो गए, मतलब सरस्वती माता जी के, लक्ष्मी माता जी के। ये लो गाइस दर्शन कर लो लक्ष्मी जी के। मतलब जब भीड़ हो जाती है ना तो जो दर्शन पास से नहीं कर सकते ना, वो पीछे से ऐसे दूर से ही देख के कर लेते हैं, लेकिन सीधा व्यू बिल्कुल परफेक्ट विजिबल हो रही है। हाँ। लक्ष्मी जी यहाँ से भी। इस मंदिर को बनाने के लिए सीमेंट या कुछ चूना वूना कुछ ऐसे जोड़ के नहीं बनाया गया, पत्थरों के ब्लॉक्स को आपस में जोड़ा गया। ये जगह ऐसे जगह जगह पे लाइनें दिख रही है ना पत्थर के बीच में, ये ब्लॉक्स है, ये कोई ऐसे टूटे हुए नहीं है, ये लेगोस की तरह एक के ऊपर एक इन्होंने। हमारी एंट्री मंदिर में उधर से हुई थी और हमारी एग्जिट दक्षिण दरवाजे से होगी, तो एक तरीके से हमने पूरे मंदिर का पूरा एक चक्कर लगा लिया है। शिवाजी महाराज इन्होंने बनवाया था ये मंदिर। हाय ये लेते हैं, ये सही उठाया, ये सही है, ये तो अंदर का ही लग रहा है मेरे को। अंकल ने बकायदा ऐसे पैक वैक करके दिखाया, दिखा ना इस मंदिर की। हाँ। क्या मान्यता है? हाँ इस मंदिर की खास बात है कि ये 108 शक्तिपीठों में से एक है, और कोल्हापुर में जहाँ पर सती माता की आंखें गिरी थी वहाँ पर ये महामंदिर बना है। तो गाइज ये है यहाँ के अप्पे जो कि बहुत फेमस है, एंड इन्हें तो ट्राई करे बिना जा नहीं सकते हम वापस कोटा। नाश्ता उधर होटल में जाके करेंगे, लेकिन इन्हें ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करना तो बनता है। कहाँ लग गया तू भी, रूबी क्यूब में अप्पे खा, अप्पे इल्ले हो जाएगा दिमाग, इल्ले अप्पे खा। देख कैसे नखरे हैं। तो अब हम आ गए हैं वापस अपने होटल। सबसे टेस्टी क्या लगा? साबुदाने की खिचड़ी, उपमा। सबसे पहले मैं ये खा रहा हूँ। बस इसने नाश्ते में ब्रेड ही खाई है जबकि उपमा इतना टेस्टी है। तो गाइस चलिए अब गाड़ी में बैठ जाते हैं क्योंकि अब हम निकलेंगे गोवा। सनरूफ में से बाहर तो निकल गए, लेकिन बस पुलिस वाले ना आ जाए नहीं तो। भाई क्या हवा चल रही है यार, यहाँ की तो हवा ही बदल गई यार, इतनी फ्रेश एयर मिल रही है। कितने सही टाइम पे धूप चली गई है ना, दो दिन से हम परेशान हो गए, गाड़ी में बैठे बैठे टैन हो गए अपन, लेकिन जैसे अपन गोवा के पास आ गए तो धूप नहीं है, ऐसे कॉटन जैसे लग रहे हैं बादल भी। तो अभी हम एक पहाड़ के ऊपर, एक तरीके से पहाड़ के ऊपर रोड बनी हुई है और उससे इतना सही व्यू आ रहा है। वैसे गाइज
बाय द वे मैंने ना अपने मीम्स के कमेंट्स पढ़े तो मैंने कई जगह देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैं राजस्थानी हूँ। मैं राजस्थानी हूँ नहीं, मैं राजस्थान में रहती हूँ। वैसे तो मैं यूपी की हूँ, अपन यूपी साइड के हैं भाई। लिटरल पूरा गोवा का रास्ता ऐसा ही है, दोनों तरफ पेड़ है और बीच में एक रोड है और ज्यादा कोई गाड़ियां आ जा भी नहीं रही। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम घूम रहे अकेले। हम पहाड़ी इलाके पे हैं अभी, तो काफी घुमावदार रोड्स आ रही हैं। जैसे रोड चल रही है ना तो मेरे दिल में दर्द हो रहा है, जैसे नीचे होता है। दिल में दर्द हो रहा है। हाँ, वो ऐसे होता है। और दुगु दर्द हुआ, पेट में आवाज ही बढ़ती है ना। देखो डुगू ने क्या जुगाड़ कर लिया, अब उसको ना सीट बेल्ट पहनने के बाद बाहर का व्यू नहीं दिखता, तो उसने तकिए लगा लिए सारी गाड़ी के कि अब उसे बैठ के दिख रहा है। दिख रहा है डुगू? हाँ। सीट बेल्ट लगा रखी ना दोनों? हाँ। गुड। तो अभी हम ग्रीन फॉरेस्ट वैली पार्क में है। पापा कोई जानवर आ गया तो, कोई जानवर आ गया निकलते चलो, मम्मी ने बोल दिया। मम्मा अगर आ गया ना शेर, सबसे पहले उसके मुंह पे तुम्हारे हाथ ही डाल। सबको गाड़ी में भागना ही ध्यान रखो। शेर को देखते ही सब गाड़ी में भाग जाएंगे। मैं अभी चलूंगा। एक दूसरे की तरफ मम्मी पापा नहीं करना, सीधा गाड़ी में भागो। हेलो गाइस, अभी मम्मी पापा फोटो खींचने रुक गए। मैं आपको ये जंगल में है, अभी यहाँ पे शेर भी आ सकता है, पर आएगा नहीं। ये देखो कैसे भी शेर आ सकता है, ठीक है ना? गाइस हमारी ट्रिप पे किसी ने नजर लगा दी। ऐसी उबड़ खाबड रोड आई है, ऐसी उबड़ खाबड़ रोड आई है कि बैंड बज गई, भयंकर वाली ऑफ रोडिंग हो गई। A few inches later, आ गई हमारी अच्छी वाली रोड। गाइस देखो आगे कैसी रोड दिख रही है भाई, ये तो सांप से कम नहीं लग रही। आगे अब रियल लाइफ में भी दिखाऊंगी कि कैसे लगेगी ये रोड। ओ भाई परी देख सीन इधर। भाई उतार ली पापा ने। पापा यार भाई तो देखना है सीन। हम इधर जा रहे हैं, कहीं सीधा नीचे ना पहुंचा देना प्लीज। आप सही परी देख तो सही। बस 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 बस, रुक बस पापा, और आगे कुछ नहीं है, बस रुक दो। भाई साहब क्या सीन है, आ जाओ नीचे, आ जाओ। पहाड़ी पहाड़, मतलब गोवा में तो बीचेस सुने थे, पहाड़ सुने आपने कभी गोवा में? कहाँ गए? उत्तराखंड। गाइज आपको पता है जब हम आए थे तो हम अकेले थे यहाँ पर, लेकिन अब देखो ये देखो क्या बस उड़ गई है यहाँ पे। जब हम आए थे तो सिर्फ हमारी गाड़ी थी, अब देखो। तो गाइज ये जो जगह है जो हमने अभी देखी, इसका नाम है तिलहेरी घाट, लिखा है पूढ़े तिलहेरी घाटा मधे। तो अगर आप गोवा बाय रोड आएंगे तो आपको भी इस घाट के मजे लेने को मिलेगा। तो विच इज बेटर, फ्लाइट या फिर बाय रोड? बाय रोड। अब सामने का व्यू देख, यहाँ पर फोटो लेके जो आएंगे मेरी बात तो चलो। तो यहाँ पर खींच भी नहीं सकते, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, नीचे सर जाएगी गाड़ी। मौत का कुआ देख सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ। मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये क्या, आपने यहाँ गाड़ी चला ली तो
तो आपको सर्कस में काम मिल जाएगा। सब जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, चीते और पता नहीं कौन कौन से जानवर हो गए यहाँ पे। तो मम्मा ने तो खिड़की खोल रखी है। तो किया ऐसा थोड़ी ना परी, बंद कर दू स्पाइडरमैन थोड़ी ना चीते। देखा मम्मी डर गई ना, मैंने कहा था मम्मी डर जाएगी। कितनी सही सड़क है ना देख, एकदम एकदम धूप का तो पता ही नहीं लग रहा, एकदम छाया शाम हो गई। अब हम समुद्र में जा रहे हैं, पहाड़ से डायरेक्ट समुद्र। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मौत का कुआं, आगे 100 मीटर पर मौत का कुआं। जगह यहीं पे बदली है, स्पीड 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो 70 पे चल रही थी। लगा लो सीट बेल्ट जिसको लगानी है। हम मौत का कुआं प्रो मैक्स कर रहे हैं। आगे रोड नहीं दिख रही, वो तेरी भाई देखना, ये है वो मौत का कुआ। ये स्लोली स्लोली तेरी पापा मोड़े आगे। अच्छा जो तूने मुझे बता दिया, पता तूने मेरी जान बचा ली, मुझे पता नहीं था मोड़ है आगे। चुप रहो पापा। हां और नीचे, और नीचे आगे आपकी आपकी साइड मोड़ है, अब टर्न आपकी साइड। यार यही था वो सांप 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 का रास्ता, यही था वो सांप वाला रास्ता। हां कितना खतरनाक रास्ता लग रहा है। खाना तो बेटा हम हैं अभी यहाँ पे जानवरों का जंगल में, हम है खाना, यहाँ कोई खाना नहीं मिलेगा। तो भाई क्या है गाइस, उन घाटों से आओगे ना तो बस एक ही बात है कि आपको ना नारियल के पेड़ रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे। बीच बीच में जो छोटे गांव आ रहे थे उनमें हमने देखने की कोशिश नहीं करी कि कहीं छोटा मोटा ढाबा है कि नहीं है। मुझे ढाबा था ही नहीं, तो हम थोड़ा बहुत घर से ही लेके आया था, वही हम खा रहे हैं। जैसे कि आप ये जैसे देख रहे कि ये देख रहे हो आप, पापा जी की फर्स्ट क्लास सेवा हो रही है। देखो हमने तो मखाने खाए थे ना। हाँ। प्लीज ओवर एक्टिंग मत कर। हाँ। मैंने जीता भाई। पापा यार पहुंचा दो यार, होटल पहुंचा दो। वैसे इस एरिया का नाम है असगाव और हमारे होटल का नाम है दी रॉयल असगाव। गाइस जस्ट पहुंचने वाले हैं सिर्फ 5-10 सेकंड में। टर्न राइट, देन यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बोल दिया गूगल ने। ये होटल है पूरा पता है? पापा स्विमिंग पूल का है। भाई कपड़े अभी नहीं खोल के लेट जाना है स्विमिंग पूल में। कहाँ स्विमिंग पूल बताओ। वाह गिरता तो स्विमिंग पूल का चल रही है तू। हाँ भाई तो गाइस मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ हमारे फ्लैट का। एंड यहाँ से एंटर होते ही सबसे पहले आता है एक लिविंग रूम एंड छोटा सा किचन जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री सामान रखे हुए। वाह। एंड फिर है इधर बालकनी। वाओ चारों तरफ पेड़ पौधे। लिविंग रूम से अपने रूम में चलते हैं विच इज दिस। ये हमारा फर्स्ट रूम है जिसमें एक बेड है, खिड़की है एंड अलमारी है। देन हम जैसे इधर आते हैं तो थोड़े बहुत फूल पत्ते, वॉशरूम एंड ये है हमारा बड़ा वाला रूम। एंड इधर है एक और बालकनी। कैसा लगा आपको हमारा रूम? बालकनी यहाँ पर भी है, हाँ उधर भी है वो। भाई पूरा बेड हिल रहा है साइड। हाँ आपके कमरे में बालकनी है और लिविंग रूम में भी बालकनी है। दीदी बाल सुखा रही। अच्छा इसमें से एक भी आइटम यूज करेंगे तो 600 600 का है सारा ये। अगर इसमें से एक भी आइटम यूज करते हैं ना बियर और ये सब तो फिर 600 एक डेरी मिल्क खाएगा 600 रुपए। मीटिंग करेंगे पहले, बैठ के मीटिंग करेंगे क्या करना है। ओ वाओ हमारे रूम से जस्ट पास में ही है स्विमिंग पूल एंड इनका रेस्टोरेंट। सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वाला।
बुफे टाइप्स लगेगा। इधर बैठ के, इधर बैठ के खा सकते हैं, इधर पूल साइड पे टेबल चेयर है, यहाँ पे भी खा सकते हैं। सो आर यू हैप्पी? यस, बहुत खुश हूँ मैं तो, अभी खुश जाऊंगा स्विमिंग पूल में। यूट्यूब का पैसा उड़ा के खुश हो आप? यस। देखो डुगू के कारनामे, पानी दे रहा है, पूल को पानी दे रहा है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं वापस अपने रूम में, क्योंकि हमें जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने हैं, फिर उसके बाद हम स्विमिंग पूल में कूद जाएंगे। हैं पापा, इज इट ग्रेट डील और नॉट? पीके सो जाएंगे पापा, मैं कह रहा हूँ 600 रुपए दे दो। भाई तू तो रेडी भी हो गया, ये क्या है दिखा? यार स्माइली बनी है यार उसकी चड्डी पे, वर्जिन पीना कोलाडा। वाह यार ऐसा तो नाम ही पहली बार सुना है मैंने, वर्जिन पीना कोलाडा। कपड़े चेंज कर रही है भाई? वर्जिन मोइटो तो बस मैंने आज तक मूवीज में सुना है, आज मैंने पढ़ भी लिया कि मोइटो MOITO नहीं होता, MOJIT होता है, पोली जोली। हुआ यार, मतलब इसको लोग ऑर्डर करते होंगे तो कैसे बोलते होंगे कि आई नीड जोलो पोलो, नहीं पोली जॉली, सॉरी आई नीड पोली जॉली वर्जिन मोइटो एंड पीना कोलाडा। और आगे तो सुनो, आगे तो सुनो, ब्लश ऑन आइस, मतलब वो आइस आइस के क्यूब पे ब्लश लगा के आपको दे देंगे कि आप अब चूस लो आइस को। अब आया खाने की चीज, ब्रेकफास्ट एंड बेवरेजेस। भाई मैं तो हक ला गया हूँ गोवा में आके। जा मतलब अगर तू बाहर अकेला जाएगा लोग समझेंगे किसी ने बंदर छोड़ दिया चड्डी बना के। और नहीं 600 रुपए देने पड़ जाएंगे भाई। अरे धीरे धीरे आ, अभी फिसल जाएगा। हाँ कर क्या रे तू यार, कूद ये लगी तो नहीं यार, कितना खुश है पापा के साथ, जो भी होगा मजेदार होगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं हुस्न परी मैं जाने जा। कैसा लगा पापा? यहाँ पर लिटरल स्टूल्स भी हैं बाहर पे बैठने के लिए पानी में। वो गलत बात नहीं थी क्योंकि मैं लिटरली फ्लोट कर सकता हूँ, पता है मैंने ऐसे चांद देखने की कोशिश करी तो भाई मैं फ्लोट कर गया। वाओ बस बस भाई ऊपर दिखाओ कितना सुंदर चांद लग रहा है, मैं ऐसे लेटके चांद देख रही हूँ भाई, कितना वजन हो गया कपड़ों में भी। तो गाइज अब हम नहा के रेडी हो चुके हैं और अब हम चलेंगे एक स्पेशल जगह पे खाना खाने। बाकी आपको इस मेन्यू में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तंदूरी रोटी की प्राइस देख लो। ये है तंदूरी रोटी, विच इज एक रोटी 125 रुपये। तो अब हम थोड़ा सा रेस्टोरेंट घूमेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में बैठ के खाने की सुविधा भी है। यहाँ पर ऐसे बीच में खाना आ जाएगा और फिर आप मछलियों के बीच में खाना खाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मछलियाँ हैं नहीं। क्या ओह यहाँ पर मोटर लगा रखी है, पानी बार बार आ रहा है, भर रहा है, नहीं जा रहा है। ये रही मछलियाँ, हाँ सारी इधर इकट्ठी हो रखी है।
देखो यार इनको, ये तो ऐसा लग रहा है कुछ मांग रही है हमसे। हाँ हमसे खाना मांग रही है क्या ये? लिटरल सारी आंखें ऐसे मुंह खोलने लग गई, मतलब पूरे नीचे पानी भरा हुआ है नीचे, और इतनी सारी मछलियाँ हैं उधर, और सीमेंटेड ब्लॉक्स लगा रखे हैं, और उनके ऊपर है वुडन वर्क, और वुडन वर्क के ऊपर हम खाना खा रहे थे अभी। मतलब कुल मिला के पहले इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया। हाँ पहले इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया, फिर उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट बनाया और उसमें मछलियाँ डाल दी। तो अभी हम वापस अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। वही इतनी चढ़ाई, पापा यार इतना तो खाया नहीं था जितना लगवा दिया यार यहाँ पर चढ़वाने में। अब पार्किंग से निकाल लेंगे, थ्रिल राइड रिकॉर्ड करो। गड्डी चल पड़ी अपनी, ये तो बिना स्टार्ट के ही चल जाती है। तो भाई कुछ नहीं नजर आ रहा, एक तो गाड़ी की लाइट इतनी ऊपर और सड़क के नीचे, देख तो भाई। वो पहले मैं से ये कह रहा था मैं पार्क कर दूं, नहीं कर दूं, ऐसी कौन सी पार्किंग है जो। अच्छा तभी वो कह रहा था कि मैं पार्क कर दूं क्योंकि उसको तो प्रैक्टिस होगी। हाँ यार पापा हैवी ड्राइवर है, पापा ने तो कर दी पार्क, हर कोई थोड़ी कर पाएगा। पापा एक बात बोलूं, वो जो आपका स्वागत हुआ था ना रोजेस के साथ, वो सिर्फ आपका ही हुआ था, क्योंकि मेरा ध्यान गया कि बस उतने ही फूल पड़े हैं जितने आपके ऊपर डाले थे, और फूल डाले ही नहीं, और लोग आए थे। नहीं तो पहले से भी पड़े होते ना फूल। भाई वो ना तेरा कैमरा देख के, तेरा कैमरा देख के ना कई बार बहुत सारी चीजें होती है, मैंने नोटिस करी है। अच्छा। आदमी अटेंशन सा हो जाता है। मुझे नहीं पता था, मैंने तो बाद में नोटिस करा क्योंकि मेरी नोटिसिंग पावर काफी अच्छी है। कहीं ऐसा ना हो वही उठा उठा के देख रहे हो। नहीं तो मेरा पता ध्यान कहाँ गया कि इसने फूल उठा के कहाँ से फेंके। मैं ऐसे देखा तो मैं कहा इतना छोटा सा बाउल है उसमें फूल पड़े हैं, मैं कहा सारे गेस्टों को ऐसे ऐसे फेंक फेंक के बुलाती होगी तो उसका तो ये छोटा सा बाउल खत्म हो जाता होगा। अब मुझे सुन में आया कि वो बाउल खत्म नहीं होता क्योंकि वो कुछ ही लोगों पे डालती है। यार परी तू मतलब वहाँ पहुँच जाती जहाँ कोई नहीं पहुँचता, जब सोच भी नहीं सकता कोई। भाई मतलब गोवा का ना एक बात तो है, एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अलग है। वैसे तो घूमने में ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल गांव में पतली सड़क में ये वो, फिर एकदम से होटल और रेस्टोरेंट ऐसे आ जाएंगे एकदम अंग्रेजों से भरे हुए और मतलब अलग ही चल रहा है। लिटरल यहाँ का हर रेस्टोरेंट ऐसा है, ऐसा नहीं है कि एक रेस्टोरेंट ऐसा या दो, सारे जगह ही ऐसी हैं। एक बात तो मैंने नोटिस करी है, स्विमिंग पूल में उतरने के बाद नींद तो आ रही है, काफी नींद आ रही है, काफी नींद आ रही है स्विमिंग पूल में उतरने के बाद, पता नहीं क्यों। मेरे को तो ऐसा लग रहा है नींद का इलाज मिल गया मेरे को। रोज पूल में उतर जाओ फटाफट नींद आएगी। कैसी गलियां हैं यार, एकदम वीरान गलियां। तो गाइस हम सबको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं, सुबह आपसे मिलेंगे जल्दी।